बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया। इसके अलावा कुछ जरूरी आयोजन को छोड़कर अन्य सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है। के कंकरबाग स्थित एक ही अपार्टमेंट से 13 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। जिला प्रशासन ने अपार्टमेंट को सील कर दिया है। कटिहार में अपराधियों ने आरजेडी नेता निर्मला बबुना की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप पर लूटपाट की। हालांकि इस दौरान उनकी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कटिहार में आरजेडी नेता की हत्या के बाद भारत के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हर तरफ नरसंहार हो रहा है, ऐसे में घर से निकलना मना है क्योंकि अपराधियों का कहर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने संसदीय क्षेत्र मोतिहारी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों पर चल रहे कोविड वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया। नवादा में जहरीली शराब कांड में एसपी की अनुशंसा पर मगध डीआईजी ने नगर थाना अध्यक्ष टीएन तिवारी को निलंबित कर दिया है। पटना से गई टीम की जांच रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 100 किलो डोडा पाउडर के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा। ये सभी अपराधी पहले कई अपराध की घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। जमुई के झाझा में 2 बाइक की सीधी टक्कर में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के पकड़ी दयाल बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगाकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। मृतक ने आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया। नालंदा के बिहार शरीफ में 2 पत्नी के विवाद में एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने 2 शादी की थी, दोनों पत्नी के आपस में झगड़ने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। गुमला जिले के पूसो थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय युवक की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान लड़ंगो निवासी आफ्ताब अंसारी के रूप में हुई, जो पेशे से राजमिस्त्री था। वैशाली में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में होलिका दहन के समय एक युवक को जलती चिता में फेंका जा रहा है। होलिका दहन के कई दिनों बाद वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अरवल में 2 जगहों पर भीषण अगलगी की वजह से कई बेजुबान जानवरों की जलकर मौत हो गई। वहीं गेहूं के खेत में लगी आग में फसल जलकर राख हो गई। पहली घटना कलेर थाना क्षेत्र की और दूसरी घटना महलेजा थाना क्षेत्र की है। समस्तीपुर जिले के जीबी देहुली गांव में शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लगने से एक गर्भवती महिला झुलसकर मौत हो गई। इस अगलगी में लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया। तरारी से माले विधायक के सुदामा प्रसाद ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो गया है, वहीं पुलिस बर्बरता पर उतर गई है। मुजफ्फरपुर में पत्रकारों से बात करने के दौरान उन्होंने ये बातें कही।